जिला कलेक्टर ने किया सांभर उपखंड क्षेत्र का दौरा। सीएचसी स्तर पर चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। खबर जयपुर जिले के सांभर लेक से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर नेहरा ने किया सांभर उपखंड क्षेत्र का दौरा। सांभर फुलेरा दूधू किशनगढ़ रेनवाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सांभर कस्बे में राजकीय चिकित्सालय को बनाए गए संस्थागत कोविड केयर सेंटर का गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने निरीक्षण किया और इस अवसर पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि यहां पर आने वाले मरीजों को अधिक से अधिक उपचार मिले और प्रयास ये होने चाहिए कि वह जयपुर रेफर नहीं किए जाए और उनका उपचार यहां पर ही हो जाए। और अगर निर्देश दिया अभी जैसे अपने दूधू बिचून फुलेरा और सांभर चार पीएचसीज मैंने देखी और मुझे खुशी है कि चारों ही जगह बड़ी अच्छी व्यवस्था इस संबंध में है। फुलेरा में जैसे अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, बिचून की बहुत अच्छी बिल्डिंग है, दूधू में पीएचसी में इतना अच्छा नहीं था तो उसको हमने जो समाज कल्याण का जो छात्रावास है उसमें हमने उसको शुरू कर रखा है। तो ये क्या कि अभी तो वर्तमान में थोड़ा बहुत रिलीफ है परंतु इसको ये नहीं कह सकते कि इतना कब बढ़ जाए कब नहीं हो जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इधर के लोगों को यही सुविधा मिल रही है उसी संदर्भ में ये सीएचसी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है क्योंकि ये भी जानकारी में आपने देख रहा है कि आ रहा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है तो ऐसी परिस्थिति में उससे पहले पहले सीएचसी को जितना स्ट्रेंथन कर दिया जाए उतना अच्छा। अब इनको कल से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी सप्लाई शुरू कर दी है, ये आपने वहाँ से ले सकते हैं ऑक्सीजन के ना। हर सीएचसी को डेली 5 सिलेंडर ऑक्सीजन के हम प्रोवाइड कर देंगे। एक और डीसीएमएचओ को भी हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ रेमडेसिविर भी उनको उपलब्ध करा दें। हालांकि अभी आपकी जानकारी में आएगा कि रेमडेसिविर के संदर्भ में आईसीएमआर ने लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। अब धीरे धीरे लोगों को इसके प्रति भी भ्रांति दूर हो रही है तो ऐसी अभी इसकी इतनी डिमांड नहीं है। फिर भी यदि कोई इसकी आवश्यकता क्योंकि एंटीवायरल ड्रग है ये तो हरे के हम कोशिश करेंगे बीसीएमएच को डीसीएमएचओ को भी उन संदर्भ में जो अपने सप्लाई जो